कांकेर की अब बात करते हैं, जहां पर एक अफसर का मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय खाली करा दिया गया, लेकिन उसी जलाशय के पास रहने वाले ग्रामीण झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। जलाशय का लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया, ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए, झिरिया का मटमैला पानी इससे पीने की सलाह कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन इन ग्रामीणों की मजबूरी है। पानी के लिए ये झिरिया ही इनका सहारा है। इसी पानी से इनकी प्यास बुझती है और ये पानी भी आसानी से नहीं मिलता। गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पानी से भरे बर्तन ढोने पड़ते हैं। बच्चों से लेकर महिलाएं तक सभी बूंद बूंद पानी जमा करने में जुटे रहते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, पंप लगाकर जलाशय खाली किया जा रहा है, ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पानी बर्बाद किया जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें कांकेर के बोगान बोडिया की हैं। ये वही गांव है जहां अफसर का मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय खाली करा दिया गया था। जलाशय का 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया था। जिस जलाशय का पानी फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल ढूंढने के लिए बहाया गया था, उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा है। गांव में सूखे के हालात हैं, ग्रामीण झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी की नजर ग्रामीणों की इस मजबूरी पर नहीं पड़ी। अफसर का मोबाइल इन ग्रामीणों के प्यास से जरूरी था। जिस पानी से ग्रामीणों की प्यास बुझ सकती थी, उसे मोबाइल ढूंढने के लिए बहा दिया गया। मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय खाली करने की इजाजत किसने दी? ये सवाल पूछे जाने पर फूड इंस्पेक्टर ने सिंचाई विभाग के एसडीओ का नाम लिया था, लेकिन एसडीओ ने ऐसी किसी भी अनुमति की बात से इनकार कर दिया। हालांकि जलाशय खाली करने के मामले में फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन इन ग्रामीणों का क्या? एक अफसर के मोबाइल के लिए जलाशय खाली कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ग्रामीण झिरिया का पानी पीने को मजबूर है। किसी अधिकारी की नजर क्या बोगान बोडिया में पानी की समस्या पर नहीं जाती? खेम नारायण शर्मा, News 18 कांकेर। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। इलाके भले ही अलग अलग हैं, जिले भले ही अलग अलग हैं, लेकिन समानता ये कि दोनों ही जगहों पर लाखों लीटर पानी को बर्बाद कर दिया गया महज एक सनक के चलते। पहली तस्वीर जशपुर के बादलखोल अभ्यारण्य की है, तो दूसरी तस्वीर कांकेर जिले के पखांजूर की है। हालांकि पखांजूर वाले मामले में किरकिरी होने और विपक्ष के सवाल उठाने के बाद खाद्य निरीक्षण को कलेक्टर ने जांच कर सस्पेंड कर दिया, लेकिन जशपुर के मामले में अभी तक ये भी पता नहीं चल सका कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मनमर्जी दिखाते हुए स्टॉप डैम के गेट खोलकर सारा पानी बहा दिया, वो भी मछली मारने के लिए। देखना यह है कि इस मामले में शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। नौतपा चल रहा है और इस आग बरसाते नौतपे में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि प्यास चौगुनी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कुएं बावड़िया जलाशय हैंडपंप सब जवाब दे चुके हैं, और ऐसे में अगर पता चले कि लाखों लीटर पानी अपने मजे के लिए बहा दिया गया तो क्या बीतेगी आप पर? जाहिर है भरी गर्मी में किसी का भी खून उबाले मारने लगेगा, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को इसके कतई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आई हैं जशपुर से, जहां मछली मारने के वास्ते लाखों लीटर पानी की बर्बादी कर दी गई। ये मामला बादलखोल वन अभ्यारण्य के गायलुंगा गांव का है, जहां स्टॉप डैम बनाया गया था ताकि पानी का संचय किया जा सके, लेकिन शरारती तत्वों ने इसके गेट खोल दिए ताकि वो मछली का शिकार कर सके। नतीजा ये हुआ कि सारा पानी बह गया और डैम पूरी तरह से सूख गया, जिसके बाद अब वन अभ्यारण्य के सारे जानवर पानी के लिए परेशान हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इस डैम में, डैम को जाना जाता है लुम्बादह के नाम से, और जितना भी उन्हें प्राणी हैं, हाथी हुआ, भालू हुआ, जो भी जानवर हैं, गांव घर के गाय भैंस जो भी आता था या पानी का निस्तार करता था, आज की डेट में आके देख रहे हैं तो जल पूरा सूखा पड़ा हुआ है, डैम में एक भी पानी नहीं दिख रहा है। यही इसीलिए कोई मछली वाले ही फोड़ा होगा, गाँव वाले चाहे दूसरे गाँव के, तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ ना
इस डैम में 3 दिन पहले लबालब पानी डीला हुआ था, जिसे 300 किलोमीटर दूर तक पानी डीला था। उसको आज आके देखते हैं तो इस डैम में एकदम पानी सब सूख गया है। तो जंगली जानवर और जो यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं वो लोग, ये बादलखोल अभ्यारण्य के बीचों बीच जंगल में लुम्बालाता डैम है, जहाँ पे डैम बना हुआ है। यहाँ लाखों लीटर पानी हमेशा रहता था, जिसमें वन जीव, हाथी, भालू और भी कई प्रकार के जीव जंतु हैं। फिर गांव के मवेशी लोग हैं, वो सब यहाँ पे पानी पीते थे और पानी का उपयोग होता था। और आज जब यहाँ ग्रामीण आके देख रहे हैं तो एक भी पानी नहीं है। और बताया जा रहा है कि मछली मारने वाले कुछ शरारती तत्वों के द्वारा यहाँ पे डैम का दरवाज़ा को खोल कर और पूरा पानी बहा दिया गया और मछली मारा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण शर्मा हमारे साथ कांकेर से जुड़ गए हैं, तो वहीं जशपुर से दीपक सिंह जुड़े हैं। जशपुर से सबसे पहले जशपुर का रुख करते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें हमने देखी कि कैसे असामाजिक तत्वों द्वारा यहां पर पानी खाली करवा दिया गया मछलियों के लिए। क्या अभी तक पता चल पाया है आखिर वो कौन थे और आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बादलखोल वन अभयारण्य में अक्सर जो है जानवर का वहां जमावड़ा रहता है, और जो हाथी है वो अक्सर इस जंगल में मौजूद रहते हैं, जिनकी वजह से जो वन विभाग है बादलखोल वन अभयारण्य का के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जंगलों में कई जगहों पर जो हाथियों के लिए जंगली जानवरों के लिए बनाए गए हैं। गैजुंगा गांव के पास स्थित राखों का स्टाफ डैम जो है, जो 2-3 दिन पहले तक पानी से लबालब था, लेकिन आज जब सुबह वहां पर ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पर जो है पानी बिल्कुल सूख चुका है, और लगभग 300 मीटर की दूरी तक, लगभग 6 फीट का यहां पर पानी भरा हुआ था। लाखों लीटर पानी इस डैम में था, लेकिन जो मछली मारने वाले लोग हैं उन्होंने डैम का जो है गेट वो खोल दिया, और जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। और अब जो आसपास के जंगली जानवर हैं वो परेशान हैं, जो आसपास के जो मवेशी हैं जो जंगलों में चरने जाया करते थे वो परेशान हैं। अब ग्रामीणों को ये भी भय है कि कहीं पानी की तलाश में जंगली जानवर जो है गाँवों तक ना पहुंचे, और जो हाथी है, हाथी से काफी जो क्षेत्र की जनता है वो खासी प्रभावित रहती है, और जंगलों में पानी और चारे की व्यवस्था होने के बाद हाथियों का जो रुख है वो गांवों की ओर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब जंगल में पानी खत्म होने के बाद ग्रामीण परेशान है। वहीं इस घटना में अब तक जो जो शरारती तत्व हैं उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो बादलखोल वन अभयारण्य के अधिकारी हैं उनको अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं आपके है पास कि हमारे साथ जंगल में स्थित खेम नारायण भी जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, अफसरशाही की तस्वीर हमने देखी कि किस तरह से मोबाइल गिरने पर पूरा जलाशय खाली करवा दिया गया बिना ये देखे कि आखिर वो पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता होगा और किस तरह ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जी रितु, देखिए बिल्कुल सही बात है कि अफसर ने जो है मोबाइल बचाने के लिए लाखों लीटर की पानी की बर्बादी कर दी। वहीं एक तस्वीर जो है कांकेर जिले से आई है, जहां पर झरिया का पानी पीने को मजबूर जो ग्रामीण हैं, और वो भी ऐसे झरिया का पानी पी रहे हैं जो कि गंदा है, मटमैला है, जिसके कारण से वो बीमार भी पड़ सकते हैं। और बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि उनकी सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी उन गांवों तक नहीं पहुंचता है जहां इस तरीके की परेशानी है, लेकिन एक मोबाइल पानी में गिर जाता है तो उस मोबाइल को पाने का मोह जो है अधिकारी जो है उसने लाखों लीटर पानी को बर्बाद कर दिया, लेकिन कभी ऐसे अंदरूनी इलाकों के गांवों में कोई भी अधिकारी संवेदना के साथ नहीं जाता कि किस तरीके से जो है अंदरूनी इलाकों के ग्रामीण अपना जीवन यापन करते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।